हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जान गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में किसकी। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं आपके NBS LDC 2019 रिजल्ट कट ऑफ एंड नॉर्मलाइजेशन के बारे में। दोस्तों, एक चीज के लिए सॉरी, आप लोग लगातार कमेंट्स करते हैं और मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाता, लेकिन फ्रेंड्स मेरे पास जब टाइम मिलता है मैं आपको वीडियो बाकायदा प्रोवाइड कराता हूँ। तो दोस्तों, करीबन 1 मंथ हो गए मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कराई थी और आप लोगों के कमेंट्स भर भर कर आ रहे थे, तो फ्रेंड्स इसके लिए सॉरी। चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम हर एक चीज को जानें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, है ना। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं हर एक चीज को। अब दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और यहाँ पर सबसे पहले हम कट ऑफ को देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग के कट ऑफ से संबंधित भी बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं, तो मैंने कहा एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराना चाहिए। फ्रेंड्स आपको बता दें, आपका कट ऑफ आफ्टर आंसर की मैंने आपको डिस्कस किया है, लेकिन आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। बट फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके ईआर कैटेगरी की। फ्रेंड्स, चूंकि मैंने सर्वे भी किया था, उस वीडियो में आपने देखा होगा करीबन 1000 कैंडिडेट के ऊपर सर्वे हुआ था, जिसमें जो आंकड़े निकल के आए थे मैंने आपको बाकायदा बताया था। ओके, और आप लोगों के कमेंट्स एंड आफ्टर आंसर की के बाद आप लोगों ने मार्क्स शेयर किए थे, मैंने हर एक चीज डिस्कस की थी। लेकिन फिर से आपको बताता हूँ, यदि आप दोस्तों ईआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने NBS LDC 2019 में आपके मार्क्स आए हैं कितने, जी हाँ दोस्तों आपके मार्क्स आए हैं 86 से लेकर आपके 88 के बीच। यदि आपका इतना स्कोर है तो आपका सिलेक्शन तो 100% होने वाला है। ओके, तो आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आपका इतना स्कोर आ रहा है तो 86 से लेकर 88 के बीच, है ना। और बात करते हैं क्या कि सर हम टाइपिंग स्टार्ट करें, तो दोस्तों आपको टाइपिंग स्टार्ट कभी की कर देनी चाहिए और आप आई थिंक आप लोगों की टाइपिंग की स्पीड अच्छी आ गई होगी, क्योंकि वहां पर भी आप लोगों को अलग कर दिया जाता है। आप जेना समझें कि आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा तो आप टाइपिंग भी बड़े आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यदि 35 चाहिए तो आप यहाँ पर 40 की प्रैक्टिस करें, आपको 5 आगे चलना है, पीछे नहीं। एग्जैक्ट नहीं करना कि हाँ भाई इतनी चाहिए, 30 चाहिए, 35 चाहिए, एक्स वाई जेड जो भी चाहिए, तो आप उतनी ही करके जाएं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको एक्स्ट्रा लेकर चलना है, आपको एक्स्ट्रा लेकर इसलिए चलना है क्योंकि आप वहां पर थोड़े बहुत घबरा जाते हैं तो उसकी वजह से भी आपका वहां पर कम हो जाता है, इसलिए आप थोड़ी एक्स्ट्रा लेकर चलें ताकि आपकी कम भी हो तो आप फिक्स पर आ जाएं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं किसकी, दोस्तों बात कर लेते हैं आपके ओबीसी कैटेगरी की। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप ओबीसी बिलोंग करते हैं और आपने मार्क्स आपके NBS LDC 2019 में गेन किए हैं कितने, जी हाँ दोस्तों आपके मार्क्स बने हैं करीबन 79 से लेकर कहाँ तक आपके 81 के बीच, तो आपका स्कोर भी यहाँ पर 101% गुड है, आपका सिलेक्शन भी 101% होने वाला है। किससे? आपके ओबीसी कैटेगरी से। हमने यहाँ पे जाना आपके ईआर कैटेगरी का कट ऑफ, हमने यहाँ पे जाना आपके ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ। फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं आपके किसका ईडब्ल्यूएस एससी एसटी एंड पीएच का कट ऑफ। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, जहां पर हम बात करने वाले हैं आपके किसकी ईडब्ल्यूएस की। जी हाँ दोस्तों, कि आपने आखिरकार कितने मार्क्स गेन किए हैं जिससे आपका क्वालिफाई होना बिल्कुल निश्चित है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं और आपने NVS LDC 2019 में मार्क्स गेन किए हैं कितने, जी हाँ दोस्तों यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं करीबन 80 से लेकर 82 के बीच, यदि आपका इतना स्कोर है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर बिल्कुल डन हो जाता है 101%। इससे ज्यादा कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा, आप लोग निष्फिक्र हो जाइए, कंटिन्यू लगे रहिए। और आपका जो डाउट आ रहा है सबसे बड़ा सा, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीजन है, क्या हमारी वैकेंसी रद्द हो गई है, क्या भर्ती रद्द कर दी गई है, क्या कैंसिल हो गई है, तो इसका जवाब भी मैं अभी आपको देने वाला हूँ, बट आपको थोड़ा वेट करना होगा, हम कट ऑफ को डिस्कस कर लें। फ्रेंड्स, तो आपकी ईडब्ल्यूएस से 80 से 82 के बीच है, तो आपका सिलेक्शन भी श्योर है, आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं। अब चलिए हम देख लेते हैं एससी का। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात करते हैं कि सर एससी कैटेगरी का कट ऑफ आखिरकार कितना जा सकता है आपके NBS LDC एग्जाम में।
तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप एनवीएस एलडीसी एग्जाम में एससी कैटेगरी से मार्क्स गेन कर रहे हैं कितने, जी हाँ दोस्तों, यदि आप नंबर बना रहे हैं आपके 75 से लेकर 77 के बीच, यदि आपका इतना स्कोर है तो आपका स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है, बेटर स्कोर है, इससे ज्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला, आपका 75 से लेकर 77 के अराउंड इतना है तो बिल्कुल इनाफ है, पर्याप्त है, आप सेव हैं। ओके तो फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं हम एसटी कैटेगरी का कट ऑफ। तो डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं कि सर एसटी कैटेगरी का कट ऑफ आखिरकार क्या जाने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आपने एनबीएस एलडीसी 2019 एग्जाम्स में आपके एसटी कैटेगरी से मार्क्स गेन किए कितने, जी हाँ दोस्तों, यदि आपने नंबर बनाए हैं आपके 73 से लेकर आपके 75 के बीच, यदि आपका इतना स्कोर है तो आपका स्कोर 101% है, आपको इससे ज्यादा कट ऑफ देखने को नहीं मिलने वाला, आपका 73 से लेकर 75 के बीच, आप टेंशन ना लें, आपका सिलेक्शन बिल्कुल डन है। अब हम देखते हैं किसका, एसटी के बाद आता है आपका नंबर पीएस हैंडीकैप। हाँ तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं कि सर पीएच कैटेगरी का कट ऑफ आखिरकार कितना जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, यदि आपने एनवीएस एलडीसी 2019 एग्जाम में पीएच कैटेगरी से मार्क्स गेन किए हैं कितने, जी हाँ दोस्तों, यदि आपने मार्क्स गेन किए हैं आपके 60 से लेकर कहाँ तक, आपके 65 के बीच, यदि इतना स्कोर है तो फिर आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर डन है, इससे ज्यादा आपको आपका कट ऑफ देखने को नहीं मिलने वाला। ओके टेंशन की आवश्यकता नहीं है। और चूंकि फैंस आप लोगों ने जो मार्क्स गेन किए हैं आपने बताया था, शेयर किए थे, तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था, वही मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस किया है, क्योंकि आपके कमेंट्स फिर से आने लगे सर मेरा कट ऑफ कितना जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने जो मार्क्स गेन किए थे उसी के आधार पर मैंने ये कट ऑफ किया था एनालिसिस करने के बाद। अब इसमें कुछ फ्रॉड या फेक ऐसा कुछ आप लोग कहीं कमेंट्स करते हैं, झूठे कमेंट्स करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक से लेकर दो नंबर का वेरिएशन संभावना कर सकते हैं आगे पीछे, है ना, एक्सपेक्टेड। तो दोस्तों ये तो आपका कट ऑफ, सर हमारा कट ऑफ कितना जाएगा। आप बहुत से कमेंट्स आ रहा है सर हमारा रिजल्ट कब आएगा और हमारे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, तो चलिए फ्रेंड्स हम इन बातों को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं कि सर आखिरकार रिजल्ट आउट कब होगा एनबीएस एलडीसी का। सभी का आने लगा बट हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया, इसका क्या रीजन है। चूंकि फ्रेंड्स आपके यहाँ पर ऑफिशियल रूप से कोई नोटिस जारी भी नहीं हुआ और ऑफिशियली आपका कोई रीजन भी नहीं बताया गया, लेकिन संभावना के तहत आपका जो रिजल्ट है आपको पता होगा बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, ऐसा लगने लगा है कि अब आपकी भर्ती रद्द हो गई है, कैंसिल हो गई है। बहुत से कमेंट्स मेरे को देखने को मिलते हैं सर हमारी भर्ती क्या रद्द हो गई है, क्या कैंसिल हो गई है, हमारा रिजल्ट इतना टाइम क्यों ले रहा है। तो दोस्तों आपको बता रहे हैं टाइम जो भी हो, चूंकि अब आपका बिल्कुल रिजल्ट आने का टाइम नजदीक आ गया है, ऐसे मैंने कुछ अपडेट्स पढ़े हैं आप लोगों के जो पेपर में न्यूज निकली है उनके आधार पर आपका जो रिजल्ट है वो दोस्तों उन आंकड़ों के मुताबिक आपका जो फरवरी लास्ट वीक के समथिंग आने की पूरी पूरी संभावना है। हो सकता है आपको फरवरी के सेकेंड वीक में भी देखने को मिल जाए, लास्ट वीक में भी देखने को मिल जाए, आफ्टर टू डेज बाद भी आपको देखने को मिल जाए, यहाँ पर निश्चित कुछ नहीं है, लेकिन आपका फरवरी मंथ में रिजल्ट आना बिल्कुल श्योर है, 99% पूरे हैं चांस कि आपका रिजल्ट इसी मंथ में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर डेट कुछ भी फिक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियली नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर फिक्स नहीं कर रहा। एक उस पेपर के अपडेट्स हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं रहता कि आपका इस तारीख को आ ही जाए, लेकिन आपका फरवरी में रिजल्ट आना बिल्कुल 100% श्योर हो रहा है ना। तो आपको इस मंथ में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब आप लोगों के लिए सजेशंस की दोस्तों आप लोग लापरवाही ना करें, अब आपका रिजल्ट है बिल्कुल नजदीक, जी हाँ दोस्तों आपको इसी मंथ में देखने को मिलेगा 10 से 15 दिन के अंदर अंदर। तो आपको करना है क्या, यदि आपने डाल दी हो ढील कि हाँ भाई हमारा रिजल्ट तो अभी आ ही नहीं रहा, बहुत ज्यादा टाइम है, अभी एक मंथ है, दो मंथ है, डेढ़ मंथ है, तो हम टाइपिंग अभी से क्यों करें। तो फ्रेंड्स आप लोग इतनी बड़ी मूर्खता या गलती ना करें, क्योंकि अब आपका रिजल्ट तो आने ही वाला है, तो आपको आपकी टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। यदि आपने बीच में छोड़ भी दी थी तो कंटिन्यू कर लें, बिल्कुल धार की तरह अपने हाथों को बना लें ताकि आपका सिलेक्शन कोई ना रोक सके।
अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट डाउट की, सर हमारे एग्जाम में क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। तो चूंकि फ्रेंड्स आपको पता होगा आपका जो एनबीएस एलडीसी का एग्जाम था वो करीबन ऑलमोस्ट 3 शिफ्ट के समथिंग हुआ था, आई थिंक मेरे को याद है जैसा। तो फ्रेंड्स आपके यदि एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम एग्जाम कंडक्ट होता हो, फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, तो दोस्तों वहां पर आपके नॉर्मलाइजेशन का फंडा लग जाता है। मतलब आपके 99% चांस हो जाते हैं कि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा। चूंकि 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है दोस्तों, तो आपके यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं कि एक जैसे आपके पेपर का लेवल रहा हो। आपके पेपर में वेरिएशन देखने को मिला होगा, आपके शिफ्ट में वेरिएशन देखने को मिला होगा, तो आपके चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं कि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन हो। लेकिन आपके जो अदर टीजीटी हैं जिनमें नॉर्मलाइजेशन का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनका एग्जाम एक ही समय में कंडक्ट हुआ था। ओके, तो फ्रेंड्स आई थिंक आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स बैठा हुआ है तो आप उसको पूछें, पॉसिबल होगा तो उसका आंसर आपको अवश्य मिलेगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स लेते हैं आपसे विदा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करते जाएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत।